नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि वह। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है मांगलिक। मांगलिक सुनते ही लोग जो है परेशान हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, खास करके यदि आपके घर में मैरिजेबल एज के बच्चे हैं या मैरिजेबल एज की लड़की है और अगर वो मांगलिक है तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। देखिए, घबराने की या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मांगलिक होता क्या है? क्या मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो जाए अगर तो गलत होगा? मांगलिक की क्या मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए? आज मैं आपके साथ यही सब डिस्कस करूंगी। मांगलिक होता क्या है? पहली चीज देखिए, मंगल यदि आपकी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या बारहवें घर में हो तो आप मांगलिक होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमें किसी ने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो डबल मांगलिक हैं। देखिए, डबल मांगलिक कुछ भी नहीं होता, मंगल एक ही होता है। तो या आप मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक हैं। ये कह देना कि डबल मांगलिक हैं या सिंगल मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक हैं, ऐसा नहीं होता है। अब हमने जो है एक रिसर्च की थी जिसमें हमने जो है 300 कुंडलियां ली थी और वो हमने उन लोगों की ली थी जो मांगलिक थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस रिसर्च की ये थी कि ये 300 कुंडलियां जो है लड़कियों की थी, सिर्फ लड़कियों की, मांगलिक लड़कियों की। लड़कियों की ही क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है, खास करके मैंने भी ये एक्सपीरियंस बहुत किया है कि यदि अगर लड़की मांगलिक है तो उसको बड़ा ही नेगेटिवली लिया जाता है या बड़ा ही नेगेटिवली देखा जाता है। तो हमने जो है रिसर्च की और इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। ये जितनी लड़कियां थी ये सब जो है अपने करियर्स में बहुत ही अच्छा कर रही थी, दे वर रियली एक्सेलिंग इन देयर करियर्स। ऑल्सो इनकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस भी आई थी जो इन लोगों ने, चैलेंजेस आए थे जो इन लोगों ने बड़े ही समझदारी से और बड़े ही आसानी से उनको हैंडल कर लिया था। तीसरी चीज़ जो सामने आई कि इनमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया था या कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स जो है इन्होंने बड़ी इजीली क्लियर की थी। अनदर थिंग विच केम आउट ऑफ दिस रिसर्च वॉज कि इनमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो कि स्पोर्ट्स में स्पेशली जो है बहुत एक्सेल कर रही थी, जिन्होंने जो है अपने स्टेट को या कंट्री को जो है रिप्रेजेंट किया है एंड दे वर डूइंग वेरी वेल इन स्पोर्ट्स। अब मंगल जो है वो प्लैनेट है कंपटीशन का, मंगल जो है वो प्लैनेट है एनर्जी का। तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव होना है, यदि आपको आपके एनर्जी लेवल्स आपको हाई चाहिए, जो कि आज के ज़माने में जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें हम सबको चाहिए, हम सब आजकल करियर ओरिएंटेड हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, देर इज़ नो डिफरेंस। हर कोई अच्छा करियर चाहता है, हर कोई एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहता है, हर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो उन सब के लिए स्ट्रॉन्ग मंगल होना या मांगलिक होना एक पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं शादी की कि जी मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो या मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष जो है आज से हजारों साल पहले लिखा, उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो सोसाइटी का सेटअप था, जो माहौल था वो बहुत ही डिफरेंट था। तब जो है आदमी लोग शिकार के लिए बाहर जाते थे या काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते थे या लड़ाई के लिए लड़ने के लिए जाते थे। ये भरोसा नहीं होता था कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हाफ ऑफ द वुमेन वुड डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या कोई मेडिकल एलिमेंट के साथ में। तो लाइफ स्पैन, जो जीवन काल था वो बहुत कम होता था। आजकल ऐसा नहीं है। जब ज्योतिष लिखा गया था तब तलाक नाम की चीज कोई शब्द ही नहीं था ज्योतिष के ग्रंथों में, इसीलिए उसका कोई मेंशन नहीं है। अब आजकल आप देखिए, आजकल जो है जो शादी की आयु है, जो मैरिज की लॉन्जिविटी है वो इतनी नहीं रह गई है। शादियां जो हैं वो बहुत आसानी से टूट रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट रही हैं। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि इन सब में मांगलिक का कहीं रोल नहीं आता है। सिर्फ एक
इस बेसिस पे कह देना कि जी मांगलिक है बच्चा या बच्ची और उसकी शादी में दिक्कतें आएंगी या शादी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सब चीज़ों को एनालाइज करके, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तब हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि शादी कैसी चलेगी। सिर्फ एक मंगल या एक शनि अच्छा नहीं है इस बेसिस पे कह देना शादी नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रही बात की मांगलिक की, क्या नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है? अगर ऐसा होगा तो जो नॉन मांगलिक है उसको दिक्कत आएगी या उसकी आयु कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भी मैंने रिसर्चेस की है, मेरे खुद की फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि एक पार्टनर मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है और उनकी शादियां अच्छी चली हैं और काफी समय तक चली हैं। तो ये कह देना कि जी मांगलिक होने से शादी में दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार ये पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, तो यदि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि मैरिजेबल एज के हैं और जो मांगलिक हैं, तो प्लीज़ ये सोच के परेशान नहीं होइए कि उनकी शादी नहीं चलेगी या शादी में दिक्कत आएगी। मांगलिक को लेके आपके दिमाग में यदि और भी कोई कन्फ्यूजन्स है या यदि और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मेरे से क्लियर करें। आई वुड लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू मांगलिक। एक और चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में जिसको हम बहुत महत्व देते हैं शादी के समय में, वो है गुण मिलान। कि जी यदि 36 में से 32 गुण मिल गए तो बहुत अच्छी शादी होगी, और यदि 36 में से 15 गुण मिल गए तो शादी नहीं चलेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ डिटेल में गुण मिलान क्या होता है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है शादी के मैचिंग में, ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।